हैप्पी होली टू एवरीवन। मैं शिवांगी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से। होली का सीजन मतलब शॉपिंग, कलर्स और ढेर सारी मौज मस्ती, पर ये सब अधूरा है होली के मीठे के बिना। आज मैं आपके लिए बिल्कुल नए तरीके का मीठा पकवान लाई हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। हम तीन इंग्रेडिएंट्स खोया, केला और लेमन ज़ेस्ट को लेकर एक ऐसा बेहतरीन पकवान बनाएंगे कि आपको इसका स्वाद लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमें चाहिए एक कप खोया, 3/4 कप मैदा, 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 2 केले, हमें पके हुए केले चाहिए, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 चुटकी नमक, लेमन ज़ेस्ट चाहिए हमें यानी नींबू का छिलका। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेंगे। मैदे में हम नमक और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालने से मैदा नमकीन बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक चुटकी नमक डालने से हमारी डिश में मीठे का बैलेंस अच्छा आता है। बेकिंग पाउडर डालने से हमारी डिश बहुत ही फ्लफी और स्पॉन्जी बनेगी। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और अपना वेट बैटर तैयार कर लेंगे। केले का छिलका हटाकर केले को फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर लेंगे। इसको हमें एकदम स्मूथ करना है। केला अच्छे से मैश हो गया है, अब हम इसमें खोया, पिसी हुई चीनी, इलायची पाउडर और लेमन ज़ेस्ट मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन ज़ेस्ट के लिए नींबू को ग्रेटर की हेल्प से नींबू का छिलका ग्रेट कर बैटर में मिक्स कर लेंगे। एक पूरे नींबू का छिलका हम बैटर में डाल देंगे। अगर आपने लेमन ज़ेस्ट पहले यूज़ नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर डालिए, इससे आपको डिश में बहुत ही अच्छा फ्रेश और रिफ्रेशिंग फ्लेवर मिलेगा। ये फ्रिटर्स आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि इसमें खोया है, केला है, ये ना कि बच्चों को पसंद आएगा बल्कि उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। हमारा गीला बैटर तैयार है, अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम बैचेस में डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और हमें एक स्मूथ बैटर मिले। अगर आपका बैटर थिक और ड्राई हो रहा है तो आप इसमें दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकते हैं। हमें बैटर की ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए कि ये हमारे स्पून पर चिपक सके। बैटर तैयार है, अब हम दो स्पून्स की हेल्प से इनका अच्छा सा शेप बनाकर तेल में डालते जाएंगे। यहाँ पर हमें फ्लेम का बहुत ध्यान रखना होगा। इन फ्रिटर्स को हमें एकदम मीडियम टू स्लो फ्लेम पर डीप फ्राई करना है। अगर फ्लेम हाई हुआ तो ये बिल्कुल काले बनेंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए। इन्हें हम फ्लिप कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से फूल गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो गए हैं। ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें तेल से बाहर निकालकर परोसेंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और मैं आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। दोस्तों, आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं।